हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। बरसात का मौसम है, बाज़ार में करौंदे हर सब्जी वाले के पास मिल जाएंगे। क्यों ना हम इस मौसम में करौंदे की खट्टी मीठी चटनी बनाकर स्टोर कर लें। हमने 250 ग्राम करौंदे लिए हैं, जिसे हमने धोकर साफ कर लिया है। अब हम करौंदों को बीच में से काटेंगे और इसके जो बीज हैं इन्हें निकालेंगे। सभी करौंदों के हमने बीज निकाल दिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच हमने मेथी ली है, 1.5 चम्मच राई ली है, 1 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 1/2 चम्मच हमने कलौंजी ली है। हमने इस मसालों में राई और कलौंजी को पीसना नहीं है और इन तीनों मसालों को हमने हल्का दरदरा पीस लेना है। गैस पर हमने नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला और फिर हम उसमें राई और कलौंजी डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा सौते करना है। ये अच्छी तरह सौते हो चुके हैं, अब हम इसमें करौंदे डालेंगे। 1/2 मिनट हम इसे अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमने जो मसाले दरदरे पीसे थे वो अब हम इसमें डालेंगे। हम इसमें स्वाद के अनुसार लाल मिर्च कूट कर डालेंगे। इसमें 1/2 कटोरी गुड़ डलेगा। अगर आप चीनी डालना चाहें तो 1/2 कटोरी गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकती हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 ही चम्मच सादा नमक डालेंगे। हमारी चटनी बनकर तैयार है। हमने चाशनी थिक रखनी है जिससे हम इसे स्टोर कर सकें। सुपर टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। इसे हम 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।